हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टेंस बताने जा रहा हूँ। ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग है टेंस। लोग कहते हैं कि जब तक आप टेंस नहीं सीखेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, और कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है। और आज मैं आप लोगों को टेंस बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को कृपया शुरू से अंत तक देखें। आपको बिल्कुल शुरू से सिखाया जाएगा। आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बस इस वीडियो को देखिए। यदि आप नहीं समझे उसके बाद आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। लगभग सभी टेंस को चार भागों में बांटा गया है, कुल मिलाकर 12 टेंसेस हो जाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो काइंड है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड है टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूज होता है दिन प्रतिदिन, जो डेली यूज इंग्लिश जो भी होता है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत यूज करते हैं। जैसे आप लोग जो भी बोलते हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं, मैं सुबह उठता हूँ, रिफ्रेश होता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, तो कोई भी जो हैबिट दिखाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, गंगा नदी बहती है और सूरज पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ऐसा कोई सत्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, विश्वव्यापी सत्य, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, वो उसका डेली का हैबिट हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। जैसे वह लंदन में रहता है तो वह हमेशा ही लंदन में ही रहेगा, वह लंदन में रहता है, मैं अपने गांव में रहता हूं। तो हिंदी वाक्य से हम लोग कैसे जानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? जब हम लोग क्रिया में देखते हैं कि ता ते ती लगा हुआ है तो हम लोग उसे समझ लेते हैं कि यह जो टेंस है, जो वाक्य है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग भाषा है, इसे हम जोड़कर नहीं देख सकते। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ तो आई रीड ए बुक बोलते हैं, मैं आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो हिंदी में अलग है, आप सोचिएगा कि हूँ का क्या लिखें, है ना? तो जो स्ट्रक्चर है हिंदी और इंग्लिश का वो बिल्कुल अलग अलग है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जैसे जो भी सेंटेंस हम रोज़ बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि वह रोज टहलता है, तो वह का हम लोग ही लिखेंगे, टहलना का वॉक लिखेंगे। और ही जो है, देखिए जो भी सिंगुलर नंबर में है, जहाँ एक आदमी का बोध होता है, वहाँ पर वर्ब में या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। सिर्फ देखिए, आई अकेला आता है, जैसे मैं जाता हूँ तो आई यानी एक आदमी, और यू तुम, जब यू से तुम या आप होता है तो वो भी एक आदमी होता है। यही दो को छोड़कर सब में हम ए सी एस लगा सकते हैं। अब हम लोग, आप कहेंगे कि दे के साथ क्या लगाएं, तो देखिए दे वे लोग, एक से अधिक हो गया, ये तो सिंपल ही है कि एक से अधिक हो रहा है। वी हम लोग, इसमें भी एक से अधिक हो रहा है, लेकिन आई और वी में ये सिंगुलर नंबर में जरूर है, और आई और यू को छोड़कर जितने भी प्रोनाउंस वो सिंगुलर नंबर में है तो भर्ब में जो है एस ई एस हम लोग को लगा देना है। तो ही वॉक्स डेली, या एवरी डे भी दे सकते हैं, प्रतिदिन। तो आई यू ये सिंगुलर एक वचन में ही है,
एक आदमी का ही बोध हो रहा है, सिर्फ इसमें एस ई एस नहीं लगाना है। देखिए दे वे लोग एक से अधिक हो गया, वी एक से अधिक हो गया, तो इसमें तो लगाना ही नहीं है। बाद में कि जितना भी सिंगुलर नंबर जो भी रहेगा, चाहे वह नाम रहे चाहे किसी कोई भी जानवर रहे, जैसे मान लीजिए कुत्ता भौंकता है, तो इसमें जो है द डॉग लिखेंगे, एक डॉग की बात हो रही है, द डॉग बार्क्स, ये लिखना है द डॉग बार्क्स। सबसे पहले जो है जो भी सब्जेक्ट है वो लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप सीधे जो है प्रैक्टिकली सीखिए, प्रैक्टिकली ही आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। बस सीधे सेंटेंस को देखिए और उसी अनुसार बनाइए, बस कुछ रूल्स फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए कि यह ट्रेन चार बजे खुलती है, यह ट्रेन चार बजे खुलती है। देखिए इसमें भी ती है, ता है, ता है, तो सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दिस ट्रेन, इसको एक साथ लिखेंगे, यहाँ बीच में इज नहीं देंगे, कुछ नहीं देना है। दिस ट्रेन खुलना का होता है स्टार्ट। अब आप ही बताइए कि ट्रेन एक है या दो है, एक है ना, तो यहाँ पर जो है एस लगा देना है, द ट्रेन स्टार्ट्स चार बजे। देखिए कोई भी टाइम हो तो उसमें एट लगता है, एट फोर ओ क्लॉक, सुबह शाम रहने से फोर पी एम फोर ए एम भी दे सकते हैं। दिस ट्रेन स्टार्ट्स एट फोर ओ क्लॉक, यह ट्रेन चार बजे खुलती है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कौवे काँव काँव करते हैं, तो कौवे का क्रॉस लिखना है, एक से अधिक है, देखिए कौवे है तो इसे प्लूरल में लिखना है क्रॉस। काँव काँव का इंग्लिश भी सी ए डब्ल्यू ही होता है, क्रोज काँव, यानी कौवे काँव काँव करते हैं। तो जब भी यहाँ एक से अधिक होगा, यदि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, तो वर्ब में जो है एस ई एस नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, हम लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब में ता ते ती देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का वी होता है, और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इस सब्जेक्ट के बाद जो है, देखिए सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करना है। यदि यहाँ पर डॉग के बाद बार्क है, वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो यहाँ भी वर्ब होगा, तो खेलना क्या होता है, प्ले, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ जो है ज़्यादातर आदत दिखाने के लिए होता है, जो रोज़ का हैबिट है कि आप क्या क्या करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी और भी मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या चाहिए। आज मैं टेंस शुरू कर रहा हूँ, और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बिल्कुल ही शुरू है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, और आज ही मैंने इस लेसन को शुरू किया है, और मैं पूरा टेंस खत्म करूँगा। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक मैं बताता रहूँगा, बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी एक नए अंदाज में मैं ज़रूर प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा।
चलिए, और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, आज सिर्फ आप एग्जाम्पल से समझिए कि किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। आपको जल्दी से सीखना है। देखिए, आखिर बोलना तो हम लोगों को इंग्लिश ही है ना, हिंदी से इंग्लिश बोलना है, तो जितनी आप ज़्यादा टाइम लगाइएगा ट्रांसलेट करने में तो आप कैसे बोल पाएंगे। इसलिए वो दिमाग में ट्रांसलेट होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। और इसके लिए है कि कुछ वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को याद करना है, वर्ब्स याद करने हैं। जैसे मान लीजिए दस बजे रात में दुकानें बंद हो जाती है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट दुकानें हैं, तो लिखेंगे द शॉप्स। देखिए, द लगाते हैं इसे खास बनाने के लिए कि वही दुकानें बंद हैं जिसकी बातें मैं कर रहा हूँ। द शॉप्स एक से अधिक है तो क्लोज हो जाएगा, क्लोजेज नहीं होगा। द शॉप्स क्लोज एट 10 PM देने से नाइट हो गया। द शॉप्स क्लोज एट 10 PM। जैसे मान लीजिए कि यह रोड मुंबई जाती है, तो यह रोड हमारा सब्जेक्ट है, इसे एक साथ लिखेंगे दिस रोड लीड्स टू मुंबई। ये वर्ब है हमारा लीड। अब यहाँ एज क्यों लगाएं, क्योंकि दिस रोड यानी एक ही रोड की बात हो रही है, दिस रोड लीड्स टू मुंबई। मान लीजिए कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए, पृथ्वी द अर्थ लिखें, कुछ जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो साथ में ग्रामर भी जरूर सीखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, प्रीपोजिशन टू लगा है। जब भी कोई डायरेक्शन दिखाते हैं, किसी तरफ जाते हैं, तो टू लगता है। जैसे आई गो टू स्कूल। जब कोई समय दिखाते हैं 10 बजे या फिर 6 बजे जो भी रहेगा, तो वहाँ एट लगता है। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक चीज़ फ़ायदा हम लोग यह मिलता है कि साथ ही साथ हम लोग ग्रामर भी सीखते जाते हैं, कुछ ना कुछ यूज सीखते जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, तो द अर्थ, द इसलिए लगेगा जो भी आकाश से पिंड है, हेवनली बॉडीज है, जो आकाश में दिखाई देता है या जो दुनिया में अकेला है, तो द लगाते हैं द अर्थ। अब यहाँ जो वर्ब है चक्कर लगाना, तो चक्कर लगाना क्या होता है, रिवॉल्व। अब बताइए कि अर्थ सिंगुलर नंबर में है, एक है, तो यहाँ पर एस लगाएंगे कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स। अब चारों ओर का क्या होगा, तो अराउंड होता है, दुनिया में सूरज भी अकेला, इसलिए द होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए कितना सिंपल है, आप भी बना सकते हैं, बस सिर्फ वर्ड मीनिंग ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ वर्ब जो है, और वर्ब फॉर्म्स, वर्ब का जो रूप है वो आप याद करेंगे। थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए और फिर मेरा सहयोग रहेगा, आप जरूर सीख जाएंगे, और बिल्कुल ही विस्तृत रूप से सीखेंगे। ऐसा सीखेंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, आपको हेल्प मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पक्षी घोंसला बनाती है। अभी सिंपल ही सेंटेंस दे रहे हैं, आप जो है बिल्कुल एक स्टोरी बना लीजिएगा। पक्षी घोंसला बनाती है,
तो देखिए पक्षी का लिखना है द बर्ड, अभी पक्षी यानी एक पक्षी। बनाना का लिखना है बिल्ड, बिल्ड्स हो जाएगा, द बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट। पक्षी जो है एक घोंसला बनाती है। देखिए बिल्ड मिस भी बनाना होता है और मेक मिस भी बनाना होता है, लेकिन जब कोई भी हम घर वगैरह बनाते हैं, एक तरह से घोंसला जो है पक्षी का घर ही है, तो बिल्ड से बनता है बिल्डिंग, इसलिए यहाँ पर जो है बिल्ड ज़्यादा सुटेबल है, द बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट। देखिए आपको लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस खुद में आ रहा है कि हम भी सीख सकते हैं, बस ए सी एस का ध्यान रखना है। एक बार और सुन लीजिए कि ए सी एस कहाँ लगाना है, ही सी इट या कोई नाम रहेगा, एक नाम या फिर कोई सिंगुलर नंबर एक वचन में रहेगा, चाहे वह द बर्ड हो, द अर्थ हो, या दिस रोड हो, या फिर माई फादर हो, योर फादर, योर फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंस में जो है भर में ए सी एस लगाना है। जो प्लूरल नंबर में है उसमें ए सी एस नहीं लगाना है, जैसे दे वे लोग प्लूरल नंबर है, हम लोग एक से अधिक है, इसमें नहीं लगाना है। अपवाद में सिर्फ आई है और यू है, जो अकेला है, आई मिस मैं, यू मिस तुम, इसमें जो है भर में ए सी एस नहीं लगाना है। बाद बाकी जितना भी सिंगुलर नंबर में है उसमें ए सी एस लगाना है, और प्लूरल नंबर में है तो उसमें नहीं लगाना है, एक से अधिक में नहीं लगाना है। इसमें जो है एम इज आर कहीं यूज नहीं होता है अभी फिलहाल, ये एसर्टिव सेंटेंसेस में बोलते हैं, जिसमें नहीं नहीं हो, क्या नहीं हो, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, सिंपल सेंटेंस हो, उसे इंग्लिश में एसर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, या एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो अभी जो है मैं आप लोगों को एफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, इसके बाद जो है निगेटिव सेंटेंस होगा, फिर इंट्रोगेटिव, फिर कुछ स्टोरी आप लोगों को लिखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस चलेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको विस्तार पूर्वक जानकारी टेंस की मिलेगी। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि होली साल में एक बार आती है, क्या हो जाएगा, होली कम्स, होली अकेला है, एक ही त्यौहार है, होली कम्स वंस यानी एक बार, इन अ ईयर, ईयर मिस होता है साल, होली कम्स वंस इन अ ईयर। देखिए हम लोग सिंपल, राम जाता है, सीता खाती है, यही सब बनाते हैं, लेकिन इससे हटकर कुछ सीखने को मिलेगा ऑल राउंड नॉलेज पर। जैसे अब मान लीजिए किसी में तातेती नहीं है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जैसे मैं तुमसे सहमत हूँ। देखिए इसमें ता नहीं है, सिर्फ सहमत का ये ता है ना, तातेती नहीं है, मैं तुमसे सहमत हूँ। इस तरह के सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, जैसे आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। जैसे मुझे आपकी मदद की जरूरत है। देखिए इस तरह के सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, आई जरूरत होना नीड हो जाएगा, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। तो इस तरह के सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू रीड, मुझे चाय बनाना आता है, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं। जैसे वह हंसने लगती है, शी बिगिंस टू लाफ, शी बिगिंस टू क्राई, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस है। अभी तो मैं बिल्कुल शुरू किया हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, और देखिए कि आप कितने
आसान तरीके से और अब तक का सबसे बेस्ट टेंस सीखिएगा बिल्कुल एक नए अंदाज में। सो डियर फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं तक, फिर मैं टेंस लेकर जरूर आऊँगा पार्ट टू के तहत, ये अभी पार्ट वन बन रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, अब दीजिए इजाज़त, बाय।